सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दिल्ली से मुंबई के बीच का सफर महज 13 घंटे में पूरा होगा। दो हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर के जरिए ये मुमकिन होगा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और 6 लेन के जयपुर एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण किया गया। अब आपको दिल्ली से गुरुग्राम का जाम नहीं सताएगा। अब आप दिल्ली से मुंबई तक सड़क मार्ग के जरिए फराटा भरते गाड़ी से जा सकेंगे। अब आप जयपुर तक के नेशनल हाईवे के कारण देर होने की शिकायत भी नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत देश को हाईवे से जोड़ने के संकल्प में एक कदम और बढ़ा दिया है। इस कड़ी में शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 2022 तक 90,000 करोड़ से तैयार होने वाला ये एक्सप्रेसवे देश की राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी को जोड़ेगा। अभी दिल्ली से मुंबई पहुंचने में तकरीबन 20 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद ये दूरी 12 घंटे में पूरी हो जाएगी। इस मौके पर सुषमा स्वराज ने कहा कि इसके बनने से लोगों का सफर जहां सुहाना होगा, वहीं विकास को भी गति मिलेगी। नितिन गडकरी जी देश के लिए जो दो बड़े उपहार लेकर आए हैं, उनमें दिल्ली और हरियाणा राज्यों को बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है। दिल्ली वालों के लिए तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा तोहफा बनकर आ रहा है कि दिल्ली से गुड़गांव तक की दूरी 40 मिनट में तय हो जाएगी। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो मेवात से होकर जा रहा है, आज कहती हूँ वो मेवात की किस्मत बदल देगा, क्योंकि मेवात पूरा औद्योगिक केंद्र बन जाएगा। दिल्ली से मुंबई के सफर के साथ अब दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों को भी जल्द जाम से निजात मिलेगी, क्योंकि अब दिल्ली से गुरुग्राम की एक और एंट्री खुल जाएगी, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसका शिलान्यास किया और कहा कि इसके चलते दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र में विकास लाने का एक नया केंद्र बन जाएगा और दिल्ली मुंबई का एक एक्सप्रेसवे जो 1320 किलोमीटर का, यह एक दूसरा हाईवे होगा दिल्ली और मुंबई के बीच में। किसी भी देश में जो हाईवे और राजमार्ग होते हैं, जनता का जीवन सरल करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। पूरे विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका है और अमेरिका में बहस होती थी कि अमेरिका अमीर देश है इसलिए वहां पर हाईवे बने, तो लोग कहते थे ये गलत है। पहले उन्होंने हाईवे बनाए जिसकी वजह से अमेरिका का विकास शुरू हुआ। इन दोनों प्रोजेक्टों के साथ साथ इस कार्यक्रम में जयपुर रिंग रोड का भी लोकार्पण किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि इस 6 लेन हाईवे से जयपुर तक का सफर अब सुहाना होगा। गडकरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 40 जगहों पर काम 1-7 दिसंबर में शुरू होगा। 4 चरणों और 3 साल में प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा। 2 हिस्सों दिल्ली गुड़गांव जयपुर और वडोदरा मुंबई पर काम भी शुरू हो चुका है। वडोदरा सूरत के हिस्से पर टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द ही सूरत मुंबई के हिस्से के लिए भी जारी कर दिया जाएगा। ये द्रुतगति महामार्ग का शिलान्यास हमारे देश के, हमारे विदेश मंत्री
आदरणीय सुषमा जी के द्वारा हुआ है। मैं अभी उनको बता रहा था कि शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकता है, क्योंकि एक ही ग्रीन हाईवे नई अलाइनमेंट है, 90,000 करोड़ का है, 1,350 किलोमीटर का है, और ये इस प्रकार का हाईवे एक्सिस कंट्रोल शायद दुनिया में पहला हाईवे होगा, और इसका आज यहाँ शिलान्यास हो रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वहीं इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन तमाम परियोजनाओं से हरियाणा के साथ साथ दूसरे प्रदेशों को भी फायदा मिलने की बात कही। 4.5 साल में हम लोगों ने, मैंने बताया कि 11 नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं, और जिसका एक एक करके शिलान्यास हो रहा है, उनको आगे चलाया जा रहा है। कल भी एक शिलान्यास अंबाला से साहा रोड का 14.5 किलोमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री नितिन गडकरी जी ने किया है। तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। ये लगभग 35,000 करोड़ रुपये के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्र सरकार की, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से और हरियाणा के लिए ये बनवाए जा रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन तमाम परियोजनाओं के कारण जहां लोगों का सफर सुहाना होगा, वहीं जिस जिस इलाके से ये एक्सप्रेसवे गुजरेंगे, वहां वहां के इलाकों में विकास को भी गति मिलेगी। अब देखना ये है कि कब तक दिल्ली मुंबई और द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा हो पाता है, और लोगों की जिंदगी कैसे इन एक्सप्रेसवे के जरिए बदलती है। दिल्ली से आलोक सांगवान की रिपोर्ट, MHR न्यूज़।